हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो होप करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और हम भी अच्छे से हैं। तो आज है सप्तमी। मैंने कल वीडियो डाली थी, वो फर्स्ट नवरात्रे की थी, फिर बीच में मैंने कुछ शूट नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो आज है सप्तमी और आज है मेरा बर्थ, क्योंकि स्टार्टिंग का जो नवरात्रा था वो मेरा स्किप हो गया, मैं कर नहीं पाई पूरा कंटिन्यू बर्थ को। तो आज सप्तमी है, आज रखूँगी और अष्टमी को रख लूँगी तो वो हो जाएंगे, जोड़े हो जाएंगे। जोड़ा रखना ज़रूरी होता है, आप सिंगल नहीं रख सकते। तो वैसे तो 9 दिन भी रख सकते हैं, पर मैं 9 दिन नहीं रखती और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया कि मैं 9 दिन रखूँ। पता नहीं, शायद मेरे से हो नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए तो कभी ट्राई करने की इच्छा ज़रूर है। लेकिन तो बस अभी दोपहर का टाइम हो गया है, लगभग सुबह ख़त्म हो चुकी है कब की। मैंने घर की सफाई वफाई कर ली, उसके बाद पूजा, नाना धोना, फिर पूजा सब ख़त्म हो गया मेरा करके। और फिर मैं बैठी हूँ यहाँ पे, ये देखिए मैं यहाँ बाहर बैठी हूँ, ऐसे मेन डोर खोल के बैठी हुई हूँ मैं। और मैं यहाँ बैठ के बस चाय पी रही हूँ और फ्रूट खा लिया मैंने, बस चाय पीऊँगी अब बस। फिर अभी और कुछ नहीं, शाम को खाऊंगी, जो बनाऊंगी खाऊंगी, बना के देखती हूँ क्या बनाऊंगी। मैं सोचा नहीं, मैंने शायद आटा ला के मैं पकौड़े वकौड़े बना दूँ कुछ, अकेले के लिए ना होता नहीं। पिछली बार क्या था, खुशी भी साथ में थी, तो फिर मैं कुछ अलग बनाने का मन कर जाता है, कोई साथ में होता है। तो इस बार मैं अकेली हूँ, वैसे तो मैं ज़्यादातर अकेली रखती हूँ, खुशी ने एक बार रखा था मेरे साथ बस, वैसे तो मैं ही रखती हूँ। लेकिन होता है ना, तो कोई होता है साथ में तो अच्छा लगता है कि कोई अलग अलग डिश बना के खाएं, पर अकेले के लिए इतना मेहनत नहीं होती, इतनी इच्छा नहीं होती। तो बस मैं जो भी होगा मैं देखती हूँ क्या बनाऊँगी, देखती हूँ और दिखाती हूँ। तो अभी देखते हैं खाना क्या खाएंगे बच्चे लोग, वैसे तो कल का बचा हुआ है खाना, और उसके बाद फिर देखती हूँ कुछ अरेंजमेंट करूँगी इधर उधर। तो बस बच्चों को खाना दूँगी थोड़ी देर में, दादी सो रही हैं अभी, वो भी उड़ जाएंगी, उसके बाद खाएंगे बच्चे लोग खाना, दादी बच्चे। और मेरा तो बस यही हो गया, ब्रंच हो गया मेरा, फ्रूट और चाय, बस चाय भी ठंडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, शाम को चाय वाय पी के उसके बाद फिर मैंने चाय के साथ थोड़े चिप्स भी खाए, फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। कुट्टू का आटा ले आई थी मैं, और आलू भी मैंने बॉईल कर लिए हैं, तो इसमें मैंने आलू मिक्स किए हैं और उसके बाद कुट्टू का आटा मिक्स किया है। और ये जो मैंने डाला है चम्मच से, वो काली मिर्च डाली थी मैंने, और ये मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। इसके बाद इसको हल्का हल्का आलू को फोड़ना है, उसके बाद इसको पानी डाल के जो पकोड़े बन जाएं, इस तरीके का बैटर बनाना है कि आप एकदम पकोड़े बना पाएं। और ऐसे करके आप टिक्की भी बना सकते हैं इसकी, इसकी तो कचौड़ियाँ भी बन जाती हैं, या फिर आलू की सब्जी अलग से और कुट्टू का रोटी या पूड़ी अलग से भी बना सकते हैं आप। तो कुट्टू के आटे की तो बहुत सारी डिशेज बनती हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल पकौड़े ही बना रही हूँ। तो पकौड़े के लिए बस ये तैयारी कर रही हूँ मैं, कुछ इस तरीके का बैटर बन जाएगा ये, हल्के हाथों से करना है ये, बहुत मैश हो जाएंगे नहीं तो। आलू थोड़े अच्छे लगते हैं, खड़े खड़े आलू थोड़े साबुत साबुत से ना थोड़े अच्छे लगते हैं। तो इसमें मैंने एक्चुअली सरसों का तेल लिया है, क्योंकि रिफाइंड में मैंने गलती से वो रोटी बनाते समय ना, पराठा बनाते समय चम्मच डाल दिया था, तो फिर वो मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने सरसों के तेल को अच्छे से जला लिया है, जैसे कि कढ़ाई दिख रही है आपको, एकदम जला हुआ भी है। तो उसके बाद कुछ इस तरीके से धीरे धीरे करके पकोड़े फ्राई किए मैंने, और अच्छे बन गए थे। घर में सबको टेस्ट भी कराया, और मैंने फिर बचे फिर मैंने भी खाया। मैंने इसके साथ दूध ले लिया था, आप चाहें तो दही ले सकते हैं, मुझे दही इसके साथ इतना नहीं भाता, मुझे दूध अच्छा लगता है तो मैं इसके साथ दूध ले लेती हूँ। कोई लोग चाय पी सकते हैं, तो कोई दही ले सकते हैं। तो इस तरीके से कर करके मैं बना लूँगी और आके बचे हुए भी। Oh,
तो फ्रेंड्स, ये पकोड़े तैयार हो गए हैं, देखिए मेरे। और इसमें से मैंने कुछ माता रानी को चढ़ा दिए और कुछ फैमिली मेम्बर सबको मैंने खिला दिए, सबको अच्छे लगे। अब मेरी बारी है तो मैं खा रही हूँ। मैंने दूध दूध ले लिया है अपने लिए, जो भी लेना था, और मैं बैठ के आराम से खा रही हूँ नीचे। और हस्बैंड सामने हैं, वो हमेशा ज़्यादातर बनियान में ही रहते हैं, तो मैं उनको नहीं दिखा रही हूँ, पर उनसे मेरी बात हो रही है, मैं बात कर रही हूँ उनसे। और बहुत टेस्टी बने थे, जैसे कि मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ। मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे पकौड़े। तो फिर मेरा खाना हो गया है, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। तो ये दाल मैंने बना ली है, आज मैंने बनाई है घी और चने की दाल। तो ये शॉर्टकट मैंने अपनाया आज कि दाल और सब्जी एक ही में मिक्स करके बनाया जाए, और टेस्टी भी लगती है, ऐसी बात नहीं है, अच्छी लगती है। कभी ट्राई करें आप भी। तो मेरी अम्मा है तो उनको खांसी होती है थोड़ा बहुत, तो ना चावल नहीं खाती ज़्यादा, तो वो रोटी खाती हैं रात को। रात को तो ज़्यादातर रोटी खाती हैं वो, तो मैं उनके लिए रोटी बना रही हूँ। तो बस बाकियों के लिए मैंने चावल बना दिया ऑलरेडी, तो बस रोटी बना के उनको खाना दे दूँगी, फिर हस्बैंड को भी और आरुष को भी खाना दे दूँगी बस। रोटियाँ बन गई हैं, तो मैंने बस ये थाली लगा दी है अम्मा के लिए, तो अम्मा को देने जा रही हूँ मैं। और दे दी मैंने, और वो थोड़ा गर्म पानी पीती हैं गुनगुना, तो वो भी दे दिया मैंने। आरुष यहाँ पढ़ रहा है और साथ में कार्टून भी देख रहा है, तो कुछ नहीं, बस उसकी छुट्टियाँ हो रखी हैं वैसे तो स्कूल की, तो मैं थोड़ी बोल रही थी रीडिंग कर ले, राइटिंग कर ले, थोड़ा सा वही कर रहा था वो। फिर उसे भूख लगी हुई थी, तो फिर मैंने उसको भी खाना दे दिया है, अच्छे से दाल चावल मिला के दे दिया, और उसी के ऊपर इसको थोड़ा घी डाल दिया मैंने। तो बस कार्टून देखते देखते वो कोई भी खाना खा लेगा, फिर मैं हस्बैंड को दे दूंगी, क्योंकि खुशी ने तो खाना नहीं है। तो फ्रेंड्स, सब हो गया है हमारा, खाना पीना सब कुछ हो गया है, खाना दे दिया है मैंने, अभी खा रहे हैं उधर। और खुशी नहीं खा रही, क्योंकि खुशी आज गई थी छतरपुर मंदिर, तो वहीं पे ही वो खा के आ गई है। भंडारा खाने के नसीब में था उसके, तो उसने खाया। और मासियों के साथ गई थी, मैं नहीं जा पाई, सम रीजन ऐसे कहीं और जाना था मुझे, तो मैं जा नहीं पाई, तो वो चली गई और घूम घाम के आ गई। तो छतरपुर मंदिर आप लोग गए हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर है, किसी दिन मैं जाऊंगी और आपको ज़रूर दर्शन करवाऊंगी और शूट करूंगी वहाँ जाके, बहुत सुंदर मंदिर है। मैं अभी काफ़ी पहले गई थी, जाने की तो इच्छा थी पर बस जा नहीं पाई। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो बस इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।